पूरे प्रदेश में राहगीरी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन भिवानी में राहगीरी कार्यक्रम पौधागिरी में बदल गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वन विभाग के द्वारा यहाँ पर पौधे मंगवाए गए थे और पौधे लगाने के लिए जो इतने प्रतिभागी यहाँ पर आए थे उनको दिए गए। जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार सूबे की सरकार के द्वारा न केवल लोगों में सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए सौहार्द बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज के टाइम में छाव हर कोई चाहता है, गाड़ी खड़ा करने के लिए, खुद खड़ा होने के लिए, लेकिन पौधे कोई भी नहीं लगा रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। पौधे दिए गए हैं, हम उनको घर जाके लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। एक एक पौधे अगर सभी लगाएं तो ये खुशहाल हरियाणा बन सकता है। लगाएंगे, वायु प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा सर। स्वच्छ भिवानी हरित भिवानी, तो इसी टैगलाइन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी आज हमने पौधे भी वितरित किए हैं, ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी आए और पौधे लगाने और उसका पालन पोषण करने और पौधे को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी वो समझे, ताकि आने वाली पीढ़ी वो स्वच्छ हवा में सांस ले सके। पब्लिक को सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट देना ये पुलिस की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है, हम उस ड्यूटी को भी निभा रहे हैं और साथ में सभी लोगों के साथ सहयोग से मिल करके आपसी समन्वय से यहाँ कुछ समय के लिए तनाव रहित जीवन जीना ये भी हम चाह रहे थे और राहगीरी का वही उद्देश्य है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ये फायदा है।